तो ये देखो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को करते हैं कहते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम न्यूक्लियाई यहाँ पे फोर पॉइंट टू यू है लेस देन द सम ऑफ द द ऑल ठीक है द्यूक्लियहाँ पे देखो क्या पढ़ रहा हूँ मास है मास ऑफ न्यूक्लियाई इज लेस देन द मास ऑफ द ऑल न्यूक्लियॉन्स ठीक है सभी ये देखो जैसे लिथियम है तो लिथियम में कुल कितने न्यूक्लियॉन्स है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यहाँ से देखोगे

ये प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन है इनको अलग अलग वेट करते हो फिर न्यूक्लियस को वेट करते हो तो इसका मास न्यूक्लियस का मास M1 है और अलग अलग M2 एम टू है एम टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम तो मास डिफेक्ट जो होता है वो एम टू माइनस एम है और इसकी वैल्यू यहाँ पर पॉइंट ज़ीरो यहाँ से फोर टू यू दिया हुआ है ठीक है एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी पर तो कितने है, है तो कैलकुलेट तो कर लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट मेंंड्रेड थर्टीट फाइव ये मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट में आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो तो जीरो पॉइंट जीरो यहाँ से फोर टू मल्टीप्लाइड बाई नाइन हंड्रेड थर्टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली इसको कैलकुलेट कर लेना थर्टी नाइन पॉइंट वन जीरो यहाँ से और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब कुछ आ जाएगा ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियंस ये सभी न्यूक्लियंस का तो हमें क्या चाहिए पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स अगर देखोगे पर न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी देखोगे तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ए है तो थर्टी नाइन पॉइंट यहाँ से टेन पर न्यूक्लियन सेन सेवन है तो अप्रोक्सीमेटली ना फाइव पॉइंट सिक्स यहाँ से आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब अपना जो बी ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा ठीक है तो ये अपना सही है थैंक यू